सो गाइस, आप देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी का 19300 का कॉल लिया है। अभी आपको ऑर्डर में जाके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैंने 28 रुपये 10 पैसे में सिर्फ यहाँ पे मैंने वन लॉट बाई किया, यानी कि एक लॉट से दोस्तों आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, एक लॉट से भी ट्रेडिंग करेंगे ना दोस्तों, रिस्क आपका छोटा रहेगा और प्रॉफिट भी आपको छोटा ही मिलेगा। बट आपको ये पता रहेगा कि आप कितना परसेंट यहाँ पे मार्केट से बना सकते हो। अगर आपको परसेंटेज मालूम रहेगा ना दोस्तों, फिर आप यहाँ पे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब यहाँ पे आप बड़ी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करके अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पे जो भी परसेंटेज आप बनाना चाहते हैं, जो भी आप बना सकते हैं, वो यहाँ पे आप ईजी बना सकते हो। कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे आपको अपना लॉस को फेस करना है। इसलिए आपको अपने आप से चैलेंज करना है कि मैं एक लॉट से ट्रेडिंग करूँगा, उससे ज़्यादा नहीं लगाऊंगा जब तक मैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सीख ना जाऊँ, मेरी साइकोलॉजी, मेरा माइंडसेट यहाँ पे मेंटेन ना हो जाए। जब तक आपका साइकोलॉजी माइंडसेट नहीं रहेगा दोस्तों ठीक, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना पाओगे मार्केट में। आज आपने प्रॉफिट बना लिया गलती से, तो कल यहाँ पे आप पूरा लॉस कर दोगे, पूरा चले जाएगा, आपका पूरा लॉस हो जाएगा, फिर यहाँ पे आपको पछतावा रहेगा। तो जब भी मार्केट प्रॉफिट देता है तो उसको अपने सर पे हावी मत होने दे। देखो, प्रॉफिट को हावी मत होने दे और लॉस को दिल पे ना ले। ये चीज़ आपको मार्केट में सीखनी है। और ये चीज़ आपको क्या सिखाएगा दोस्तों? आपकी साइकोलॉजी और आपका माइंडसेट। तो अभी एक लॉट से हमने ट्रेड किया है, छोटा सा स्टॉप लॉस है हमारा यहाँ पे, 25 रुपये में हम निकल जाएंगे। यहाँ पे देखो, 25 रुपये में हम निकलते हैं तो हमारा कितना रुपये का लॉस रहेगा यहाँ पे? 3 पॉइंट का, यानी कि 120 रुपये का हमारे यहाँ पे लॉस रहेगा। और देखना प्रॉफिट कितना अच्छा मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि छोटी क्वांटिटी से जब आप ट्रेड करोगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे जितना आपका रिस्क है ना, उससे डबल आप यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हो। 25 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस है, 25 के नीचे जब क्लोजिंग हो जाएगी जब, ठीक है, 25 के नीचे कोई 1 मिनट की कैंडल क्लोज कर देंगे ना, तो मैं यहाँ पे निकल जाऊँगा। अभी देख सकते हैं, ये मेरा 25 रुपये का भी मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, अभी चल रहा है 27 रुपये। और टारगेट मेरा यहाँ पे देख सकते हैं, अभी टारगेट मेरा यहाँ पे 40 रुपये के आसपास है। तो 40 रुपये का टारगेट अगर मैं लेता हूँ तो दोस्तों मैं यहाँ पे कितना पॉइंट गेन करूँगा? 10 पॉइंट। और 10 पॉइंट में मुझे 400 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी कि अपने रिस्क से मुझे 3-4 गुना प्रॉफिट हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पे अपने ट्रेड में बने रहेंगे और वेट करेंगे। देखो, नेगेटिव होगा छोटा मोटा, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव को झेलना पड़ेगा आपको। जब तक नेगेटिव नहीं झेलोगे, देखो फिन निफ्टी का भी मार्केट हम देख लेते हैं कहाँ पे है। ये देख सकते हैं आप, ग्राफ को ओपन, चार्ट को ओपन कर लेते हैं एक बार। अभी देखो यहाँ पे सपोर्ट पे आ चुका है, ठीक है, 5 मिनट में मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो ये सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे। ये अगर ये टूटेगा दोस्तों तो नीचे आएगा। तो अभी यहाँ पे ये सपोर्ट बना हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पे 3 PM वाली बाइंग आएगी, तो यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि सुबह से मार्केट में बायर एक्टिव है और काफ़ी दिनों से मार्केट गिरा भी हुआ है, तो बाइंग कंटिन्यू यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे सेलिंग नहीं आनी चाहिए। तो इसी का होप है हमें। अगर लॉस होगा तो कोई बात नहीं, हमारे प्रॉफिट में से लॉस होगा। देखो यहाँ पे 25 रुपये 90 पैसे पे मार्केट आ चुका है, और अभी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट दे सकते हैं, हमारा को 1400 रुपये का प्रॉफिट एक ट्रेड में हुआ था, एक में हमको 238 रुपये का लॉस हुआ था, सबसे सुबह सुबह पहला ट्रेड हमने लिया था जब। इसके बाद यहाँ पे हमने 1400 रुपये का प्रॉफिट किया, तो हम ओवरऑल यहाँ पे जो है लगभग 1100+ के प्रॉफिट में थे, और अभी यहाँ पे हमारा 84 रुपये का ही लॉस चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 100-150 रुपये का रिस्क लेंगे, उससे ज़्यादा हम रिस्क नहीं लेंगे। 25 रुपये पे कैंडल क्लोज कर जाएगी ना, 25 के नीचे 1 मिनट की कैंडल क्लोज करनी चाहिए, तभी मैं यहाँ से निकलूँगा। चलिए आने देते हैं, अब देखते हैं प्रॉफिट में आएगा तो मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा। अभी मैं यहाँ पे इसको पॉज कर देता हूँ। सो गाइस, देख सकते हैं हमारा ट्रेड जो है प्रॉफिट में आने लगा है फिर से। तो अभी हमारा जो टारगेट है यहाँ पे अराउंड में, यहाँ पे 38 या 40 के अराउंड में इसको मैं बेचूंगा, तब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। दोबारा मैं पॉज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे हमारा टारगेट आएगा तो मैं यहाँ पे आपको एग्जिट करके दिखाऊंगा कि हमें हमारा टारगेट मिला या नहीं मिला। चलिए, सो गाइस देख सकते हैं 3:00 यहाँ पे 28 मिनट हो चुके हैं, ये देखो यहाँ पे, और मार्केट में कोई बड़ा मोमेंटम आया ही नहीं, मार्केट हो गया साइडवेज। हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं लिया, बट यहाँ पे हमें टारगेट भी नहीं मिला, क्योंकि मार्केट में अब टाइम तो बचा नहीं है, 2 मिनट बाकी है। अभी देखते हैं 1-2 मिनट में हम यहाँ पे इसको एग्जिट करने वाले हैं। अभी यहाँ पे जो हम यहाँ पे इसको लॉस में तो एग्जिट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि देखो हमारा यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट में ही है, लॉस हमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ना ही हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ने लिया और ना ही हमें टारगेट दिया। कभी कभी ऐसा होता है, मार्केट जब एक मोमेंटम दे देता है तो वहाँ पर फिर साइडवेज हो जाता है मार्केट, तो साइडवेज हो गया है, इसलिए हमें टारगेट नहीं मिल रहे हैं और टाइम भी मार्केट के पास बचा नहीं है। अगर मैं इसको दोस्तों होल्ड करूँ ना, तो दोस्तों कल ये प्रीमियम काफ़ी अच्छा जंप करेगा, बट ये है कि इंट्राडे में जो अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इंट्राडे में इसको ख़त्म कर दो। ओवरनाइट BTST ले जाने से दोस्तों आपकी यहाँ पे जो है हैबिट बिगड़ेगी, और इससे आपको जो है बड़ा लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट कभी आपके फेवर में खुलेगा तो कभी यहाँ पर आपको काफ़ी बड़ा नेगेटिव दे देगा, तो चांस कम रहते हैं फेवर में खुलने के, नेगेटिव ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको कभी भी BTST ट्रेड को नहीं लेना चाहिए, ना ही कोई ट्रेड को होल्ड करना चाहिए। जो इंट्राडे में है उसको इंट्राडे में ही लॉस और प्रॉफिट में एग्जिट कर देना चाहिए। चलिए, अभी मैं इसको एग्जिट करने वाला हूँ अराउंड 30 के आसपास, तो जो भी प्रॉफिट चल रहा है दोस्तों उसी को लेके निकलेंगे। यहाँ पे कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट है नहीं यहाँ पे,
चलो 30 प्लस आ चुका है, हम यहाँ पे 30 प्लस पे इसको एग्जिट कर देते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे कितना जाता है, अभी हमारे पास कितना सेकंड और बचा हुआ है यहाँ पे। ये लो मैंने एग्जिट कर दी यहाँ पे, बिल्कुल 4 सेकंड बाकी थे। अभी देखते हैं कितने पे एग्जिट हुआ है ये, यहाँ पे देखिए ये 30 रुपये पे एग्जिट हुआ है और प्राइस यहाँ पे 31 रुपये, देख सकते हैं आप 31 रुपये, यानी कि अब क्लोज हुआ ना दोस्तों, तो थोड़ा जंप लेके क्लोज होता है। तो मैं यहाँ पे निकल चुका हूँ लगभग 70 रुपये के प्रॉफिट में, कुछ ज़्यादा बड़ा कुछ प्रॉफिट है नहीं। मार्केट यहाँ पे 34 तक भी गया था, मैंने बुक नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरा टारगेट यहाँ पे लगभग 38 और 40 के अराउंड था। तो कभी कभी ऐसा होता है मार्केट आपके टारगेट के पास जाने से पहले ही वहाँ पे साइडवेज हो जाता है। तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है, मार्केट में आपको क्या करना होता है दोस्तों, या तो अपना स्टॉप लॉस दो या फिर अपना टारगेट लो। आपको यहाँ पे जो है एक चीज़ करनी है, या तो स्टॉप लॉस दे दो मार्केट को या फिर टारगेट ले लो। अगर आप ये सीख लोगे तो दोस्तों आपको कभी भी बड़ा लॉस नहीं होगा। मार्केट को स्टॉप लॉस देना सीखिए और जो टारगेट आपका है दोस्तों उस टारगेट को लेना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप टारगेट से पहले निकल जाओ, टारगेट से पहले निकलोगे तो वो भी आपकी हैबिट ख़राब हो जाएगी, तो आप छोटे मोटे प्रॉफिट में निकल जाओगे और फिर बाद में आपको गिल्टी होगा, फिर आप दोबारा ट्रेड बनाओगे, फिर वहाँ पर आपको एक बड़ा लॉस हो जाएगा। इसलिए जो टारगेट आपका यहाँ पर निकल रहा है और जो स्टॉप लॉस आपका निकल रहा है, या तो स्टॉप लॉस को दीजिए या फिर टारगेट को दीजिए। यहाँ पर देखिए मोमेंटम 34 तक भी गया था, आपको दिखाता हूँ, आपको खुद यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे इस कैंडल का हाई देखिए, ये देखिए कितना है, 33 रुपये 75 पैसे, यानी 34 तक ये गया था दोस्तों। लेकिन मैंने यहाँ पे इसको बुक नहीं किया, क्यों बुक नहीं किया? क्योंकि दोस्तों मेरे को टारगेट यहाँ पे जो है अराउंड 40 के टारगेट लेने थे, 38 और 40 के टारगेट मेरे को यहाँ पे लेने थे। तो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस भी नहीं गया। देखो ये देखो लो कितना मारा है यहाँ पे, 25 रुपये 34 पैसे का। हमारा स्टॉप लॉस 25 रुपये का था, तो 25 रुपये भी हमारा स्टॉप लॉस मार्केट ने नहीं लिया, क्योंकि मार्केट बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो है एंट्री एकदम सही। तो इसलिए यहाँ पे दोस्तों कभी भी आप जो है ट्रेड लो तो सही जगह पे एंटर लो, ताकि आपका स्टॉप लॉस मार्केट ले तो छोटा ले, या फिर आपकी एंट्री सही है तो आपका स्टॉप लॉस भी मार्केट आपको ना ले। बस आपके यहाँ पे जो है अपना स्टॉप लॉस और अपना टारगेट डिसाइड करके छोड़ दीजिए, बाकी ट्रेड आपके फेवर में चल जाएगा, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट है, हम इसको 1233 रुपये में ही क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा देखो अभी एक ही लॉस हमें यहाँ पे हुआ था, फर्स्ट सुबह सुबह हमने एक सेंसेक्स का कॉल लिया था, उसमें हमें लॉस हुआ। उसके बाद हमने छोटे लॉस में दोस्तों काटा ना, तो देखो एक बड़ा प्रॉफिट बनाया। छोटे लॉस में जब आप काटोगे तो बड़ा प्रॉफिट बनाओगे, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। इसके बाद जब मेरा बड़ा प्रॉफिट एक्सपायरी में बन गया एक्सपायरी डे के दिन, तो मैंने दोस्तों वहाँ पे उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया दिन के बाद, क्योंकि मैं दिन के बाद ट्रेड लेने जाता तो यहाँ पे ट्रैप हो जाता, प्रीमियम डे के होता और सारा प्रीमियम जीरो हो जाता, और जो ये प्रॉफिट आपको दिख रहा है ये सारा का सारा जीरो हो जाता। इसलिए मैंने दोस्तों यहाँ पे जो है सेंसेक्स को छोड़ दिया, क्योंकि सेंसेक्स में मेरे को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल गया था, मेरा प्रीमियम ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल हो गया था दोस्तों। जो प्रीमियम मैंने लिया था वो मैंने डबल में यहाँ पे बेचा, तो मुझे यहाँ पे 1400 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मैंने यहाँ पे लगभग 1400 रुपये लगाए थे, डबल हुआ मेरा यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट डबल हुआ। और इसकी यहाँ पे जो लॉस कम हुआ, यहाँ पे मेरे को 1100 कुछ रुपये का प्रॉफिट चल रहा था और यहाँ पे 70 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ये 1233 रुपये हो चुका है। तो आज की यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग यही खत्म होती है, बाकी आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरीके से दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, लॉजिक सीखना चाहते हैं दोस्तों, और हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना।